बात है भाई। हेलो सभी साथियों को नमस्कार। आज से 5 साल पहले हम दिल्ली की जनता के बीच गए थे वोट मांगने, और हमने दिल्ली को हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, पानी, इन सब के और तमाम गवर्नेंस के ईमानदार सरकार, इन सब में बड़े परिवर्तन करने के लिए वोट मांगा था, ताकि लोगों की जिंदगी बदल सके, ताकि लोगों की जिंदगी में क्वालिटेटिव परिवर्तन आ सके। और आज 5 साल बाद जब हम जनता के बीच में वापस जा रहे हैं, तो जनता के बीच चारों तरफ से यही रेस्पॉन्स मिल रहा है कि 5 साल बहुत अच्छे बीते। हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि 5 साल में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए, 5 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ी, वरना तो जीवन नरक हो जाता, 5 साल बहुत अच्छे बीते, 5 साल में 24 घंटे बिजली मिलने लगी, वरना पावर कट, जनरेटर, इन्वर्टर पे जिंदगी चलती थी, 5 साल बहुत अच्छे बीते। वो कह रहे हैं लोग जनता के बीच में हम जा रहे हैं तो कि 5 साल में जिन इलाकों में टैंकर माफिया से 20-20 साल से पिसने को मजबूर थे, आज टैंकर माफिया से आजादी मिल गई, 5 साल बहुत अच्छे बीते। बिजली सबसे सस्ती हो गई देश में, लगभग 70% घरों में तो आजकल बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं, 5 साल बहुत अच्छे बीते। डोर स्टेप डिलीवरी से लेकर बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा तक, मोहल्लों में CCTV लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 5 साल में बहुत काम हो गया, 5 साल बहुत अच्छे बीते। और जनता के बीच से ये निकल के आ रहा है कि अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। जनता अब चाहती है कि केजरीवाल जी अगले 5 साल भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहें। तो आज से, अब अगले चुनाव का समय आ गया है, आज से आम आदमी पार्टी अपना ये कैंपेन लॉन्च कर रही है, जो जनता के बीच से निकल के आया है, जनता के बीच जो संवाद किए गए, जनता के बीच जो बातचीत की गई, उनसे निकल के आया है कि अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। जब हम जनसंवाद करने जाते थे तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि 5 साल की सरकार के बाद कोई मंत्री और कोई विधायक जनता के बीच में जाए और चुनाव से ठीक पहले जाके जनता से पूछे कि भाई क्या क्या काम किए बताओ। आमतौर पे तो यही होता है कि चुनाव से ठीक पहले नेता जाके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का भाषण देते हैं, जी मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, वोट दे देना। हमने अभी पिछले दिनों में जो जनसंवाद किए, उनमें जनता से जा जाके पूछा, बताओ भाई कुछ काम हुआ, आप बताओ काम हुआ कि नहीं हुआ। और जनता ने हर बात पे कहा, हर सभा में कहा, मैं सैकड़ों सभाओं में गया, संजय भाई गए, गोपाल भाई गए, यहां जितने लोग बैठे हैं, विधायकों ने खूब सभाएं की हैं, कि अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। हर जगह से ये नारा निकल के आ रहा है, हर जगह से ये कैंपेन निकल के आ रहा है। तो आज से दिल्ली के चुनाव की तैयारियों के लिए आम आदमी पार्टी का ये एक कैंपेन शुरू हो रहा है। मैं मीडिया के साथियों के लिए जानकारी के लिए बता दूं, पार्टी ने तैयारी की है कि अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल कैंपेन के तहत आज ये कैंपेन लॉन्च हो रहा है, इसका स्लोगन लॉन्च हो रहा है। कल से 70 विधानसभाओं में 2 दिन तक पदयात्राएं निकाली जाएंगी इस कैंपेन को लेके, 21 और 22 तारीख को 2 दिन में 70 विधानसभाओं में अलग अलग वार्ड्स में पदयात्राएं होंगी। और उसके बाद सरकार का, जो जनता ने जो जिस बात पे बात कही है कि अच्छे बीते 5 साल, सरकार का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करके 24 तारीख को वो रिपोर्ट कार्ड लॉन्च होगा, और 25 तारीख से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता उस रिपोर्ट कार्ड को लेके जनता के बीच घर घर जाएंगे, और पूरी दिल्ली में सभी विधानसभाओं में करीब 35 लाख घरों तक 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाया जाएगा डोर टू डोर कैंपेन के जरिए। इसके साथ साथ सभी विधानसभाओं में MLAs, वहां के हमारे लीडर्स,
700 मोहल्ला सभाएं करेंगे अगले 10 दिन में, 10-15 दिन के अंदर, और 7 बड़े टाउन हॉल मीटिंग्स की जाएंगी। तो एक बड़ा कैंपेन अब अगले 10-15 दिन में जनता को, जनता के बीच सड़कों पे जाके आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसका लॉन्च आज से है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आज इस कैंपेन के लॉन्च के बाद 21 और 22 को पदयात्राएं होंगी जनता के बीच में, उसके बाद 24 तारीख को रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा सरकार का 24 तारीख से, और इस रिपोर्ट कार्ड को लेके आम आदमी पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और 35 लाख घरों तक सरकार का रिपोर्ट कार्ड घर में जाके पहुंचाएंगे। इसके अलावा 700 मोहल्ला सभाएं लीडर्स विधायक लेवल पे, विधायक और तमाम लीडर्स करेंगे, और सीनियर लीडर्स के द्वारा 7 टाउन हॉल मीटिंग्स की जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता फिर से, जहां जो जनता में जोश है, वो जोश जनता का बरकरार है, और जनता जो कमिट करके बैठी है, जो फर्म करके बैठी है कि हमें इस बार काम के नाम पे वोट दिया है, 5 साल काम के नाम, 5 साल खूब काम हुआ है, 5 साल हमारे बहुत अच्छे बीते हैं, वो हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। थैंक यू संजय भाई। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। हिंदुस्तान की आजादी के बाद देश की पहली सरकार है जो वादों से ज्यादा काम करने वाली सरकार है। देश की पहली सरकार है जिसने अपने घोषणा पत्र में 70 मुद्दे लिखे थे, 70 वादे किए थे जनता से, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के बारे में आज सबको बताने में गर्व होता है कि अपने वादों से ज्यादा काम जमीन पे हमने करके दिखाया है। जब स्कूलों का दौरा दिल्ली में करने जाते थे मनीष जी, तो स्कूलों के अंदर मकड़ी के जाले नजर आते थे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल होंगे उससे बेहतर दिल्ली के सरकारी स्कूल बनाने का काम 5 सालों में किया। हमारे मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की चर्चा आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार हम लोगों ने चलाई आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, जिसने सभी वर्गों का ध्यान रखा, स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 200 यूनिट बिजली फ्री दी, 400 यूनिट आधे दाम पर दी, पानी मुफ्त में दिया, बस की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री की, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की, मजदूरों के लिए मजदूरी दोगुना कर दी, किसानों को हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा फसल बर्बादी का मुआवजा 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दिया, और जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि उसके परिवार को देने का काम किया। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान को अगर जमीन पर किसी ने सच करके दिखाया है तो सच का नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार हमने 5 सालों में चलाई है जिसके बारे में हमारी आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले आज इस स्तर पर उतर आए हैं कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का वोट मुफ्त योजनाएं देकर खरीदी जा रही है। क्या केजरीवाल जी अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदते, जहाज खरीदते, क्या केजरीवाल जी अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करते तो दिल्ली का विकास होता? नहीं, हमारी प्राथमिकता है जनता सबसे पहले, जनता सबसे आगे, और दिल्ली में आम आदमी को आगे रख के हमने सारी योजनाएं 5 सालों में लागू की, और इसीलिए पूरे कैंपेन के दौरान जहां जहां हम लोग गए एक ही बात जनता ने कही, अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल, आगे का संकल्प, आगे के आपकी योजनाएं, उसको जमीन पर सच करके दिखाना है, इसलिए लगे रहो, जुटे रहो।
संघर्ष करते रहो, मेहनत करते रहो। और इसलिए ये नारा आज जो दिया गया है, ये हमारी 5 साल की मेहनत का नारा है, ये हमारे 5 साल के संकल्पों का नारा है, ये हमारे 5 साल के संकल्पों को पूरा करने का नारा है कि 5 साल अच्छे बीत गए, आगे भी लगे रहना है इसी तरीके से समर्पित भाव से। मैं आज औपचारिक रूप से, चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव प्रचार की शुरुआत हो चुकी है, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी से आह्वान करूंगा कि जो अभी मनीष जी ने आगे के कार्यक्रम, आगे के अभियान की घोषणा की है, उसको जमीन पर पूरे समर्पित भाव से उसको पूरा करना है, उस संकल्प को पूरा करके, उस अभियान को पूरा करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल भाई, पांच साल पहले आम आदमी पार्टी ने 5 साल केजरीवाल के नारे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था। दिल्ली के कोने कोने में ये आवाज गूंजी थी, इसलिए कि पिछले चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने बदलाव तो किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी को 28 सीट मिली थी। दिल्ली के अंदर सरकार चलाने के लिए 36 सीट की जरूरत होती है। आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं था, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन जब आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करना शुरू की, भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बढ़ाना शुरू की, तो कांग्रेस ने अड़चने लगानी शुरू की और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था। और चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक ही बात कही थी कि 5 साल के लिए केजरीवाल को लाइए, हम काम करके दिखाएंगे। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत के साथ 5 साल के लिए सरकार सौंपी और आज वो 5 साल अच्छे साबित हुए हैं, अपने कामों के दम पर अच्छे साबित हुए हैं। 5 साल में जो सरकार की नीतियां रही हैं, सभी समाज को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को लेकर के जो अमन चैन कायम रखते हुए दिल्ली के अंदर जो विकास का एक सकारात्मक राजनीति का मॉडल खड़ा हुआ है, आज उसके दम पर दिल्ली के अंदर ये आवाज उठ रही है कि अच्छे 5 साल बीते हैं, लेकिन आगे जारी रखना चाहिए इसे। जो काम हुए हैं वो आगे जारी रहें, इसके लिए जनता की तरफ से ये आवाज आ रही है कि केजरीवाल साहब लगे रहिए, 5 साल जो अच्छे बीते हैं वो आगे जारी रहना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो पिछले दिनों 5 साल में सरकार ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बहुत तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कह रहे हैं ये बिजली के बिल जो फ्री हुए हैं वो 3 महीने के लिए हैं, ये जो आपको बस यात्रा फ्री हुई है 3 महीने के लिए है। हम आज कहना चाहते हैं कि जनता केजरीवाल साहब को ये आवाज दे रही है कि आप ऐसे लगे रहिए और जो काम आज हो रहे हैं वो आगे जारी रहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज इस लॉन्च के मौके पर कि आज जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार अगले 5 साल तक इसे जारी रहेगी। ये 3 महीने का कार्यक्रम नहीं है, अगले 5 साल का कार्यक्रम है। अन्य पार्टियां वादा करती हैं अगले 5 साल के लिए, देश का पहला नेतृत्व है, पहली सरकार है, पहला मुख्यमंत्री है जो अगले 5 साल में करना है उसका टेलर दिखा रहा है 3 महीने पहले से। आज बिजली फ्री होने का टेलर दिखाया जा रहा है, 5 साल अगली पिक्चर चलेगी। महिलाओं के यात्रा फ्री होने का टेलर दिखाया गया है, अगले 5 साल तक जारी रहेगा। जितने काम आज देख रहे हो
वो अगले 5 साल तक जारी रहेंगे और इसीलिए जनता की तरफ से भी ये आ रहा है, आप केजरीवाल जी लगे रहिए, सरकार जनता बनाएगी, काम को लेकर के आगे बढ़ना है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का आज चुनाव का आधिकारिक कैंपेन लॉन्च हुआ है। इसके पहले सितंबर के महीने से आम आदमी पार्टी जनता के बीच में है। सबसे पहले हम लोगों ने जनता के बीच में जा करके जनता क्या सोचती है इस पर चर्चा की, जनसंवाद के माध्यम से 1 सितंबर से जनसंवाद यात्रा हमने शुरू की थी, वो 1 महीने तक चली। उसके बाद दूसरे चरण में दिल्ली के अंदर सभी फ्रंटल संगठनों ने सभी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जनसंवाद किया। तीसरे चरण में दिल्ली के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए 14 जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कार्यकर्ताओं से संवाद किया। और चौथे चरण में दिल्ली के अंदर हर विधानसभा के अंदर बूथ जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है। 24 तारीख तक अलग अलग क्षेत्रों में विधायकों के द्वारा, अलग अलग हमारे विधानसभा अध्यक्ष संगठन मंत्री के द्वारा जनसंवाद का कार्यक्रम जारी है। आज जो ये स्लोगन लॉन्च हुआ है, कल और परसों पदयात्रा के माध्यम से विधानसभा में ये स्लोगन जाएगा। 24 तारीख को रिपोर्ट कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी जारी करेंगे, 5 साल में सरकार ने क्या किया है। क्योंकि जनसंवाद में जब हम गए तो जनसंवाद में हजारों लोगों ने अपनी बात रखी है, लेकिन सबको कोई किसी को कुछ काम पता है, किसी को कुछ काम पता है, किसी को कुछ काम पता है। 5 साल में सरकार ने एक एक करके क्या क्या काम किया है, पूरे काम की जो रिपोर्ट कार्ड है, आपकी रिपोर्ट कार्ड, वो 24 तारीख को रखी जाएगी दिल्ली के लोगों के सामने। और उसके बाद दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का पहला डोर टू डोर कैंपेन उसके बाद हम लॉन्च करेंगे, और उसके बाद 35,000 घरों में डोर टू डोर, 35 लाख घरों में डोर टू डोर के माध्यम से आपका जो रिपोर्ट कार्ड है हर घर में हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हर घर तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर किसी के मन में, कई लोगों के मन में कई तरह का जो प्रश्न है, ये हमारे लिए तो काम हुआ और क्या क्या काम हुआ है, तो सरकार की तरफ से जितने मुख्य काम है उसका रिपोर्ट कार्ड हम लोग पहुंचाएंगे। मैं एक ही बात आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, नकारात्मक राजनीति का जवाब हम सकारात्मक राजनीति से देंगे, बुरे कामों का जवाब हम अच्छे कामों का देंगे, और हमें भरोसा है कि दिल्ली की जनता अपने अच्छे कामों के दम पर, सकारात्मक राजनीति के दम पर बुरी राजनीति को, नकारात्मक राजनीति को एक सबक सिखाएगी। और दिल्ली के अंदर से जो ये काम की राजनीति का, सकारात्मक राजनीति का सूर्योदय हो रहा है, ये पूरे देश को एक नई रोशनी दिखाएगा। तो आज से हम ये अभियान शुरू कर रहे हैं और इसे लेकर के पूरे दिल्ली के अंदर कोने कोने तक जाएंगे। अभी इसके बाद अभी सारे जितने हमारे माननीय विधायक हैं, विधानसभा के अध्यक्ष संगठन मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं, लोकसभा के लोग हैं, अभी ये मीडिया हॉल में सभी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गैदर होंगे और हम बैठ करके आगामी कार्यक्रम की पूरी व्यूहरचना बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसे लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम सभी लोग खड़े होंगे और खड़े होकर के एक बार मैं पहले बोलूंगा, अच्छे बीते 5 साल, आपको बोलना है लगे रहो केजरीवाल, अच्छे बीते 5 साल, अच्छे बीते 5 साल, अच्छे बीते 5 साल, ताली बजा करके, अच्छे बीते 5 साल, अच्छे बीते 5 साल, अच्छे बीते 5 साल, भारत माता की, इनकलाब इनकलाब, बंदे बंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।